बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम साढ़े बाग साढ़े बहन बीन अल्लाह ताला खुश रखे शादाबाद रखे। इसे दुआ नाल करते हैं अज की वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी जी गुजारिश करी बहन बीन, मेरे चैनल आज सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल आज सब्सक्राइब कर लो तो बैल का बटन लाजमी प्रेस कर लो ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो तुहाडे तक बार वक्त पहुँच जाए। करते हैं अज की वीडियो शुरू। अज की वीडियो कुछ इस तरह कि मैं अपने काम के उत्ते पहुँचया हुआ जिदा आम रूटीन के नाल अपने काम के उत्ते जाना, यही मेरी मेहनत है जी, यही मेरी मजदूरी है, यही मेरी रोजी है जिड़ी मैं हर रोज़ अपने बहन भाइयों दिखाना वा और मेरे बहन भाई जी मेरे काम नू मेरी कारीगरी नू काफ़ी सपोर्ट करते और काफ़ी पसंद करते हैं क्योंकि बारागर्दी वाली मेरे को वीडियो है कौन गी ना मैं बारागर्दी करदा तो ना मैं आदत आ क्योंकि शुरू तो जो मैं स्कूल छड़िया पंजवीं चो तो मैं अपने अबू का नाल लग्या तो मेरे अबू ने समझ लो भी जो मेरा काम आ मेरिया हड्डियों के रचा दिता हुआ घर घर काम क्योंकि जो बंदा पंजवीं चो स्कूल छड़ता बच्चा तो कि उम्र होंगी है मेरे ख्याल कहना मेरी 10 साल उम्र होनी है 10 साल हो गई या 9 साल हो गई इन्नी की मेरी उम्र सी क्योंकि 5 साल का बच्चा स्कूल जान लगता जी तो 5 साल तो अगर पंजवीं तक मैं फेल नहीं होया ये मेरा दावा वा और मेरा सबूत भी है कि पंजवीं तक मैं फेल नहीं होया पंजवीं तो बाद जो काम कर लगे समझो 10 साल की उम्र मैं काम शुरू किया तो अब मेरी तकरीबन 29-30 साल उम्र के लागे मैं लगा खड़ा मैं 30 साल काम करता आ रहा तो काम मेरे हड्डियों से रच गया हुआ जरा काम करा तो ठीक है मेरे को वेले नहीं रहा हुंदा हैगा काम है अपना ही करना वा टैल और मार्बल का कंस्ट्रक्शन का जिन्ना भी काम आ क्योंकि मैं सारा जानता वा जानता सारा काम कंस्ट्रक्शन का इस करके आ कि मैं तकरीबन मेरा 6 साल जरा मस्कत रह के आया 6 साल मस्कत रहा और जो मिस्त्री इंजीनियर सीगे और उस तो बाद इंडियन सीगे उस तो बाद एक मुल्क जो होर सके काफ़ी मुल्कों के इंजीनियर समझो कि मेरा वास्ता प्यार रहा क्योंकि हर काम हर स्टैप बाय स्टैप जो इंजीनियर काम चैक करता और इंजीनियर दस के जाता कि अगला काम जो इस तरह करना इस तरह करना उस करके हर काम का मशाला मैं तजर्बा खासकर कंस्ट्रक्शन के काम का फडिशन तो लग के उपर तिकर बुनियादों तो लग के उत्थे बहरले मुल्क तो वड्डिया बिल्डिंगा बन दी उन्होंने वड्डिया बिल्डिंगा थले कि लेआउट करी दी है की हिसाब किताब वह मशाला सारा मैं इलम से जी उस तो बाद जो साम हो रहा अपने भैन भैन दिखाने यही काम आ जी इतने जोड़े मैं काम तो जाना हर रोज़ उस काम की मेरी वीडियो आती है जे मैं टैल मार्बल तो जा रहा तो टैल मार्बल की मेरी होंगी है क्योंकि मैं अपनी डेली रूटीन जी काम की उही अपने भैन भैन शेयर करता उस तो बाद जी बाकी काफ़ी भैन भैन कहा कि आसफ भाई तेरे खिलाफ़ जो भी वीडियो आँदी है जो भी कमेंट आते हैं तुम दरगुजर करो तो असी वो दरगुजर किए जी सारे भैन भैन गल मान के तो बाकी अला खैर करे काम मेरा शुरू है तो अभी मेरे फैनल हो चले थोड़ी जहा रह गया बस एक वाशरूम मेरा रह गया तो आबद भाई लगे हुए हैं क्योंकि थोड़ा जहा काम से कहने के भाई जी तुम ना वर्दी वगैरह बदलो अज चेंज ना करो धुंद बहुत पई हुई है ठंड है तो आ थोड़ा जहा काम हैगा मैं कल्ले ने नबेड़ देना माशाल्लाह वीर लगा हुआ तो उन्हें सारे पिछों जो रेंदे से लगने वाले सारे लाया अगे आने के समय थोड़े जहा रह गए एक वाशरूम का तेगा रह गया अभी बहर वाली साइड पर लाया उ रह गया वह ला रहा बस बाकी सारे लाया पिछली साइड के उत्ते जरा सामने तेगा कर लगन वाला यही रह गया वा बाकी सारे पिछे मुकम्मल कर रहे काफ़ी भैन भाई ये भी पूछे कि आसफ भाई तुम आ जरा रंग होया टैल ये क्यों ला रहे हैं ये टैल जी भाई शायद ने पुराने मकान के उत्ते पाई हुई सी जी वो टैल आ यह टैल के थले वाली साइड के उत्ते रंग होया डिस्टैंबर फिरया हो तो मैं ये टैल जी लवा इस तो रहा कि जी जिधर रंग नहीं होया वो अंदर वाली साइड ला रहे हैं कि उन्हें सीमेंट फाड़ लेगा और जिन्होंने रंग होया वो बाहर वाली साइड पर आ जानी है क्योंकि भर्ती के आ जानी है बाहर की साइड पर भर्ती आ जानी है अंदर वाली साइड के उत्ते जी सीमेंट इन पकड़ कर जाएगा इस करके टैल का पासा चेंज करके ला रहे हैं कि यह जी टैल पही है साढ़े को जाया ना जाए ये किसी काम के आ जाए बाकी अज मेरे वीर का काम जरा वो फाइनल हो गया काफ़ी सारा अज बाकी डिसाइड करते हैं भाई आते हैं तो बह के डिसाइड करते हैं भाई जी वो इतों बाजारों मंगा है या पिछों डायरेक्ट क्रैशर तो वही गड्डी मंगा। अच्छा जी काम साढ़ा जोड़ा वा चलता पाया वा है एक वाशरूम बस रह गया जो बहर वाली साइड से अभी क्ढिया वा तो बहर वाली साइड से। हाँ जी वीरे अच्छा पता पे चाह पीने चलो यार चाह पी लो पहले कम बाद कल ठंड हैगी है कोई गल नहीं खैर कम होंगे रहने चाह पियो अज धुन की वजह तो बच्चों ने छुट्टी है भाभी भी चाह लैके आ गई चलो चाह पियो यार भाभी चाह लैके आ गई है चलो पिनवार चलो चाह पियो यार
काम साड़ा जी शुरू हुआ तो बस थोड़ा रकम रह गया, उस तो पहले पीने चाय। तो फिर भैन भैया विजिट कराना अज मैं अपने काम का, क्योंकि मेरा जो नक्शा बनाया हुआ ये काफ़ी भैन भैया ने पसंद किया, तो मेरे इतने पिंड वाले भाई शहर के पिंड वाले ने भी बहुत ज़्यादा पसंद किया। ये सारी अज दसदा भी इस जगह तो आह कुछ कर दिता, तो इस जगह तो अभी आह कुछ कर दिता जी। अज वाजे नज़र आएगा सारे भैन भाइयों के तीन मरले आसिफ भाई ने की कुछ बना दिया। जो भी उम्मीद करांगा कि जो भी कोई तीन मरले का घर बनाएगा ये नक्शे के उत्ते इंशाल्लाह बनाएगा। काफ़ी मैं 100% उम्मीद है कि तीन मरले का घर का नक्शा यही बनेगा, जिथे भी बनेगा काफ़ी भैन भाइयों को पसंद आऊगा। और अगे तो कोशिश करेंगे भी असं ये नाल का घर बनाइए कि आसिफ भाई ने जो घर बनाया से। क्यों आवत भाई तीन मरले जगह हो तीन मरले जगह भी तीन मरले पूरी नहीं बनती हैगी, दो मरले तकरीबन 6-7 सरसाइयाँ बनती है थोड़ी। हाँ जी बड़ा प्यारा नक्शा कटिया गया, कोई बाहर शहर वाला बंदा आएगा ना जो वो आने के देखेगा भी यार इन्होंने की कुछ बना दिता इतने, खुश हों यार थोड़ी जगह भी इन्ना कुछ ज्यादा खुश होने वाले होंगे, परेशान होने वाले बथेरे है भाई परेशान होने। हाँ लेकिन परेशान होने वाले बथेरे है, किसी वाल देख के सड़ना नहीं चाहिए जी, अल्लाह ताला अगे दुआ करनी चाहिए जा बारे तला सानू भी दे बस, क्योंकि रब के खजाने में कोई कमी नहीं हैगी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी तेगे मेरे सारे फैनल हो गए, तो थोड़ा सीमेंट बच गया सीगा बेचे दे ते जिन्हां ने सियाह लाया वा, तो अब्द भाई ने मैं क्या तुसीं इदां करो इत्थे ना ग्रोट कर दिओ उत्ते आइटां ना पट होण। इस मेरा जी जिहड़ी बाहर बाजार की भर्ती है वह ऐसे बराबर पैगी, क्योंकि बाजार की भर्ती तो नीवी रहनी है, लेकिन ये स्टैप आ साढ़े तीन स्टैप इस घर में असं देने जी, दो बारा का स्टैप होना 6 इंच का, तो 6 इंच उत्ते टायल 6-6 इंच का साड़ा जो जाएगा उपर स्टैप का। जिन्हें ये थोड़ा पानी ला, पानी ला के तो ग्रो फिर दोबारा कांडी मार, हाँ पानी ला के दोबारा कांडी मारे तो उत्ते भी जो पानी ना दर जाए सीमेंट के बेच वड़ जाए इटा अगे भजन ना जड़िया समझ लो इदा काम हो जाता ना, तो कलेंडर ही समझ लो भी पै जाता ये उत्ते। हाँ हाँ बहुत बाकी अगे अगे है एक साइड के उत्ते जी हमसाया मैं सामने आ जरा दवार असी गिराई सी, मैं क्या नाल लगती इतने तक इन बंद करो ना जिते तक नीह भरिया गई, क्योंकि अंदर जो कुत्ते बिल्लियाँ वड़ जाते हैं वह इन्हों का जो वड़न तो बंद हो बाकी जिम्मे जिम्मे जावे बंद हों। हाँ जिम्मे जिम्मे बाकी उत्ते जावे बंद हों जाएगा ना जो जी 10 बजे का तकरीबन टाइम है, तो बाबा जी हूँ भी आए हैं। बाबा जी अच्छे पता लगता भी किदा हो गया काम साडा। हाँ जी हूँ मलूम होने लग पा ना, यह साड़ी गैलरी है जी सीधी, यह गेट है इस जगह के उत्ते, यह बैठेगा यह बैठ के वाशरूम आल किचन अगली साइड से अगे हाल आ गया वो सामने मेन एंट्री है उस जगह के उत्ते। हाँ जी सामने उस तो अगली साइड से फिर कमरा आ गया, कमरे के वो पिछे इधर वाशरूम इस साइड के उत्ते गैलरी है, ये किचन है जी। हाँ जी किचन ये विंडो और दरवाजा इधर ही साइड रखा बाहर वाली साइड से, हाँ जी बैठक का दरवाजा भी इतने आएगा फिर दस फुट सामने विंडो इस जगह 3 फुट की इस जगह सामने जी रोशनी इतों गेट ला के उपरों जगह ओपन रहनी ना जी हवा अंदर आऊगी। बाकी जी दिखाने क्योंकि साढ़े पिंड भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सारी आवाम ने साडा बनाया हुआ नक्शा जिहड़ा वह पसंद किया, सिर्फ सोच के बनाया जी, एक कोई असी लिखिया नहीं है, कोई असी कंप्यूटर पर नहीं बनाया है, सिर्फ एक जेहन दड़ा के सोच के ये काम असी शुरू किया वा, तो लगता साडा काम जिहड़ा वा हुण सिरे लग्या सोहना लग्या सानू। मेरे वास्ते बड़ा खुशी का दिन है जी, क्योंकि एक ठेकेदार वास्ते बड़ा खुशी का दिन होंगे कि जिदा जो काम फाइनल होता जाता, तो ठेकेदार खुशी होंगी कि मेरा जरा काम स्टैप बाय स्टैप फाइनल हो गया, एक स्टैप मेरा जो बुनियादा का सीगा जी फाइनल हो गया, देखे लग गए वो सामने वाली साइड के पिछे वाशरूम और अगली साइड तक गैलरी जी, वो सामने उधर गैलरी का दरवाज़ा लगेगा इस कमरे का, उधर जाने वास्ते कमरा देख सकते हो माशाल्लाह माशाल्लाह किड्डा वड्डा कमरा जी, काफ़ी खुला कमरा हो गया, जो कुछ मर्जी कमरे के विच रखी जाए माशाल्लाह बहुत वड्डा कमरा बन गया जी। उस तो बाद
यह कमरे की और इस हाल की जी दीवार है ये आ गई। ये हाल है जी साडा, काफ़ी बड़ा हाल है जरा। इस हाल के पौड़ी जी चढ़ानी है वो देखा किस साइड तो चढ़ाने तो दरवाज़ा साढ़ा वो सामने अगे उस स्नूकर के दरवाज़ा लगना क्योंकि वह दरवाज़ा भी सामने आना उत्थे और इसका दरवाज़ा भी सामने आना और मेन एंट्री जी भी मैं सामने लिया है क्योंकि इधरली साइड तो इदा अगर दरवाज़ा खुलता साढ़ा सीधे दरवाजे खुले हो दिने तो वो सामने उपर वाली साइड तो हवा आएगी तो इधरली साइड में सारे कमरिया होंगी कमरे च होंगी हाल च होंगी किचन बैठक के होंगी बहर उतो मेन एंट्री जो बहर निकलेगी सारी यदि गैस और उधरली साइड तो हवा आएगी अगर बहर मेन एंट्री तो यह जोड़े दरवाजे मेन एंट्री के उस तो बाद हाल तो अगे कमरे के कमरे चो अगे वो सामने गैलरी जो दरवाज़ा लगना वो क्रॉस हो जाएगी। खासकर मैं जो पिछे हवा वास्ते क्रॉसिंग रखी है ये बहुत पसंद आई मैनू भी पसंद आई है साढ़े इतने जोड़े भी पिंड के लोग है इसने बहुत ज़्यादा पसंद की है जी। बाकी अगे हाल काफ़ी व्डा वा। एक चीज़ जी होर यह नाल आ गया मेरा किचन क्योंकि किचन की जी विंडो आ किचन की विंडो मैं वह उतों रखनी है स्लैब जी है स्लैब उस साइड के उत्तों इस साइड में पानी है। ये मशवरा मैं इस चीज़ का चाहिए वा कि आप भी मशवरा करा तो भैन भाई भी दसन अगर मैं दरवाज़ा और विंडो उ सामने ला दिना क्योंकि उसे 3 फुट की विंडो लग जा दरवाज़ा लग जाना किचन का तो अगली साइड तो 2 फुट विंडो छुट जानी है 2 फुट विंडो ला के तो उस तो बाद फिर मैं यानी जी स्लैब आएगी उस स्लैब इस द्वार के नाल इधरली साइड से और इस साइड के उत्तर स्लैब पा देवगा ठीक है जी। अगर मैं दरवाज़ा रखदा हाल के तो फिर उत्थे विंडो लावगा तो यदि जी किचन की स्लैब होएगी और छोटी द्वार तो इस लंबी द्वार एलनमा लियावगा दोवें तरीके जिदन भी लावगे एलनमा लियावगा। एक किचन का दरवाज़ा मैं इधर रखा हाल के सामने गैलरी के रखा अगर वो सामने गैलरी रखा तो मेन एंट्री का दरवाज़ा बंद होएगा तो किचन के अंदर जिम्मे मर्जी खाना पकता रहेगा गैस यदि उधर की उधर बाहर निकलेगी अगर इधरली साइड तो होएगा तो यह दरवाज़ा किचन का बंद करके तो फिर विंडो खोल के तो खाना पकाना पैना। अगे आ गई साड़ी बैठक बैठक के दरवाज़ा साढ़ा लगना उस साइड के उत्ते सामने पर गैलरी के और 3 फुट विंडो जी साड़ी है वह सामने लगनी उस जगह के उत्ते बाहर वाली साइड तो किचन बैठक में विंडो भी लानी है। यदा जोड़ा दरवाज़ा असं इस द्वार ना लावे वाशरूम का वाशरूम असी 5x5 का रखे ये मेरा जी नक्शा सी काफ़ी भैन भाई उम्मीद करा भैन भाई पसंद आएगा देख सकते सारे तेगे मेरे सारे फैन लोग माशाल्लाह तो तेगा भी इन्ना खुला बीम पैना भी 6 इंच चौड़ा और 6 इंची 6x6 का मेरा जोड़ा वा बेच दे माल भरया जाना वा जो सीमेंट बजरी भरना असं बेच दे सरिया की पमैश करते हैं अज दिखाने भैन भाई अगली वीडियो में सरिया साढ़ा कि आ रहा और कि सरिया अं पा रहे हैं